हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एग करी। तो एग को तो आप कढ़ाई या पतीले में भी बॉईल कर सकते हो, लेकिन ये जल्दी मुझे बॉईल करना था तो इसलिए मैंने कुकर में किया। तो नहीं, ये नहीं ख़राब होंगे, आप बस 1 विसिल आने तक ही इसे बॉईल करना। 1 सीटी लगे कि आप गैस ऑफ कर देना। और साथ ही मैंने एक आलू को हाफ कट करके बीच से उसे भी बॉईल कर दिया है। ये ग्रेवी में मैं यूज़ करूँगी, तो बीच से इसलिए कट किया कि 1 विसिल तक ही करना था तो वो जल्दी बॉईल हो जाए आलू। तो बस अब इसे मैं एग को पील करूँगी स्पून की मदद से। इसे पील करके फिर मैं ग्रेवी बताती हूँ। हाँ, तो ये सारे एग मैंने पील कर लिए हैं और इसको फोक की हेल्प से मैंने इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा होल किया है ताकि ये जब ग्रेवी में जाए तो पूरी तरह से फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर पाए। तो सारे एग को मैंने फोक की हेल्प से कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा हीट है, आप केयरफुली डालना क्योंकि एग ऑयल में जाते ही थोड़ा उड़ते हैं। आप चाहो तो कम उड़े, इसके लिए थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। और इसे बहुत ज़्यादा एकदम रेड करके फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे, इससे टेस्ट अच्छा होता है। और एग सभी को खाना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को। जो लोग नॉनवेज नहीं भी खाते हैं उन्हें एटलीस्ट बच्चों को एग तो ज़रूर देना चाहिए क्योंकि ये प्रोटीन, कैल्शियम, फैट के कार्डिक सोर्स है। तो एग तो आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। बॉयल बच्चों को दें, एग कड़ी दें, बॉयल नहीं खाना चाहते, फीका लगता है तो ऑमलेट दें, किसी भी फॉर्म में। लेकिन खाना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो सभी को बहुत पसंद है, तो मैं तो वीक में एक बार तो एग कड़ी ज़रूरी बना लेती हूँ। बस इसे फ्राई करके निकालते हैं। ये हमने एग को फ्राई करके निकाल लिया है हल्का गुलाबी करके। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे थोड़ा जीरा, एक लाल मिर्च क्रश करके, और मैंने अनियन 2-3 अनियन लिए हैं, बड़े अनियन, और एक ग्रीन चिली। इसको हम मैंने चॉपर में चॉप किया है। आप चाहो तो मिक्सी में थोड़ा क्रश करके या पीस करके, जैसे आपको पसंद आए, या बारीक काट भी सकते हो। ऐसे ले लेते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, अच्छे से गुलाबी होने देंगे, फिर इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये अनियन अब गुलाबी हो गए हैं। इसमें मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 कली लहसुन की मैंने क्रश कर लिया। क्रश किए हुए का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो ये अब मैं डाल दूँगा इसमें और इसे भी अच्छे से 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम मसाले निकाल लेते हैं। मसाले में मैं पहले डालूँगी 2 स्पून धनिया पाउडर, थोड़ा और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून चिकन मसाला मैं डाल रही हूँ, और थोड़ा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसको हम थोड़े से पानी में पेस्ट बना लेंगे। और इधर हम अपने अनियन भी फ्राई करते रहेंगे जल न जल, ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अदरक लहसुन भी अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना ये मसाला। मसाले को भी अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे जब तक ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और थोड़ा सा ये 2 मिनट जब भुन जाए तब हम इसमें टमाटर भी डालेंगे। 2-3 मिनट के लिए मसाले को हमने फ्राई कर लिया। अब हम इसमें एक टमाटर कट करके डाल रहे हैं और इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे गलने देंगे ताकि इसको अच्छे से ये मैसी हो जाए और इसका फ्लेवर आ जाए मसाले में।
मसाले फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अच्छे से ये ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा वार्म वाटर डाल रहे हैं। आप चाहो तो नॉर्मल वाटर डालना, और जितनी ग्रेवी चाहिए आपको राइस में या रोटी पराठे किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप ग्रेवी की थिकनेस रखें। तो बस इसे थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए हम लेप लगा के रख देंगे। ग्रेवी में बॉयल आ गई है और थिकनेस भी सही लग रहा है। अब हम इसमें ये जो फ्राई एग हमने किए थे एक एक कर कर डाल देंगे, और इसमें बस 2-3 मिनट के लिए फ्लेवर बस अंदर तक जाए एग के, एब्जॉर्ब करें, और बस 2-3 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे। बस थोड़ा सा धनिया पत्ता, इंडियन खाना तो बिना धनिया पत्ते के इनकम्प्लीट ही है। तो ये सुंदर भी दिख के, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, और आप देख सकते हो कलर कितनी सुंदर आई है एग करी की। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी। बस 2 मिनट के बाद गैस ऑफ करके सर्व करेंगे। बस अभी मैंने गैस ऑफ किया जस्ट, और देख सकते हैं कितनी सुंदर ग्रेवी दिख रही है, और यहाँ मैंने सर्व कर लिया है। आप चाहो तो पूरे एग को भी सर्व कर सकते हो, चाहे बीच से कट करके, बच्चे इस तरह से ज़्यादा पसंद करते हैं, खाने में ईजी हो जाता है तो। और कितनी सुंदर दिख रही है हमारी एग करी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बस ऐसे ही प्यार देते रहें। बाय बाय, थैंक यू।